मुझे तो मेकअप पसंद ही नहीं है. सो बेसिकली लड़कों को बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत होती नहीं है, मुझे तो नहीं लगता. जो करना पड़ता है वो ये होता है, क्योंकि स्लीपिंग स्केड्यूल बहुत अलग होता है, तो उसकी वजह से जो अंडर आइज़ होते हैं बस उसके लिए आई थिंक मेकअप करना ज़रूरी होता है. इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा फेयर हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ कि अपना स्किन टोन जो है वो थोड़ा सा एक टोन नीचे रखने की कोशिश करता हूँ, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता. बट लड़कों के लिए आई थिंक मेकअप से भी ज़्यादा वो अपने बालों को लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते हैं, तो उस पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और मैं भी वैसा ही हूँ बिल्कुल. तो मेकअप तो मेरा 5 मिनट में हो जाता है, बालों में उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है. ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो मैं बोल रहा हूँ कि आप जितना अगर अच्छे शोज़ में देखो तो लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम बेसिक रखने की, और वही मैं फॉलो करता हूँ कि मुझे एकदम बेसिक चाहिए. और जितना आप नेचुरल रहते हो उतना ज़्यादा स्क्रीन पे नेचुरल दिखता है. तो अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप करते हो तो अब ऑडियंस भी उतनी स्मार्ट हो गई है कि समझ में आता है कि यार बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ है, तो ईज़िली वो लोग भी फिगर आउट कर लेते हैं. तो किसका लड़कों में मेकअप अच्छा, इतना ध्यान से मैंने देखा नहीं है लड़कों को, बट या जितना नेचुरल उतना ज़्यादा अच्छा. बहुत ज़्यादा, क्योंकि बालों की वजह से मुझे लगता है कि एक लड़के का पूरा लुक चेंज हो जाता है. जितने अच्छे से आप अपने हेयर स्टाइल पे वर्क कर सकते हैं, तो आप वही चीज़ होती है जो एक आपको थोड़ा सा हर शो में या हर तरीके से कुछ कुछ चेंजेस आपके अंदर दिखते हैं. तो बालों को लेके तो बहुत पॉजिटिव होता हूँ. मेरे साथ अधिकतर एक हेयर स्टाइलिस्ट रहते भी हैं, वो अभी नहीं है, बट तो वो आई थिंक मुझे लगता है कि लुक में मुझे सबसे ज़्यादा चिंता होती है कि यार बाल सही होने चाहिए. मैं जब पार्टी में जाता हूँ तो कभी मेकअप नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं करता हूँ. मुझे लगता ही नहीं यार कि उसकी ज़रूरत है. यार नेचुरल रहो ठीक है, मतलब ऑफकोर्स किसी किसी को ज़रूरत होती है, बट मुझे टच उड़े ऐसी ज़रूरत नहीं है. स्किन ठीक है जब तक चल रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितने कम प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाएँ उतना ज़्यादा अच्छा है, और स्किन को हाइड्रेट रखें, बस वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये बहुत ही बेसिक पंजाबी लड़का है, नॉट टू फैंसी मॉडर्न, नॉट टू देसी. तो जो एक हैप्पी गो लक्की जो नॉर्मल पंजाब के लड़के होते हैं वैसा है. तो बाकी लुक अभी आपको देखने को मिलेगा, ऑफकोर्स जब मैं कॉस्ट्यूम भी चेंज करूँगा, हेयर भी करूँगा, तो बाकी उस बारे में हम ज़्यादा डिटेलिंग पे बात करेंगे.